मोदी ने एक और वादा निभाया, नागरिकता से विपक्ष घबराया। नमस्कार, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सैयद उवैस अली। आज हम फिलहाल बेहट के अंदर मौजूद हैं। बेहट वो विधानसभा है जहां पर 53% मुस्लिम बहुल्य समाज का वोट है। आखिरकार मुस्लिम वोट भी यहाँ होने के साथ साथ में बेहट की जनता क्या कहती है और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के उनके मूड में क्या चल रहा है? क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने नागरिकता यानी कि CAA का कानून लाकर विपक्ष के मुँह पे एक तमाचा मारा है, उससे कई संकेत पैदा हो गए हैं और विपक्ष अपना बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। तमाम लोगों से चर्चा करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे कि आखिरकार लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के उनके मूड में क्या चल रहा है और बेहट की जनता का मूड को भापने का हम यहाँ से प्रयास करते हैं। सर, सर क्या नाम है आपका? अवनीश अग्रवाल। अवनीश जी, एक बात बताइए, विपक्ष घबराया हुआ लग रहा है। जो 2014 में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता से वादा किया था, उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। इस फैसले से किसी भी हिंदुस्तान के नागरिक को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये देश के हित में फैसला लिया गया है। देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा है कि किसी भी हिंदुस्तानी के कागज़ चेक नहीं होंगे। 140 करोड़ देशवासी इस बात से निश्चित रहे कि उन्हें किसी तरह का कोई डर है। जिन्हें डर है उसमें बांग्लादेशी, म्यांमार से आए हुए अवैध घुसपैठिए, वही इससे घबराए हुए हैं। 140 करोड़ देशवासियों को किसी भी तरह घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कुछ और लोग उनसे ही बातचीत करते हैं। विपक्ष जो इतना बौखला रहा है, तमाम तरह की अफवाहें फैला रहा है, एक घबराहट से जो विपक्ष के अंदर पैदा हो गई है, मोदी ने जो वादा किया वो पूरा किया, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मोदी जो वादा करते हैं वो हमेशा पूरा करते आए हैं और यही भारतीय जनता पार्टी की, इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी जी योगी जी जो कहते हैं वही करते हैं और मोदी जी गारंटी एकदम से बिल्कुल सही है। और CAA में जो उन्होंने किया है कि राजनाथ सिंह जी ने, हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने साफ़ कर दिया कि बिल्कुल किसी भी पूरे हिंदुस्तान के किसी भी मुस्लिम को कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है और पूरा देश उनके साथ है और सबके सारे कानून उनके लिए पूरे उसी तरह हैं जो सब नागरिकों के लिए। विपक्ष को जितने भी मुद्दे नज़र आ रहे हैं उनमें सब में ज़्यादातर जितने भी आप विवाद के मुद्दे उठा के देखें चुनाव नज़र आ रहा है, आखिरकार क्यों? आज विपक्ष इसलिए बुखलाया हुआ है कि उन्हें कोई वास्ता नज़र नहीं आ रहा। हमारी कथनी और करनी एक होती है, माननीय मोदी जी ने जो वादे जनता से किए थे वो पूरे हुए हैं। हमारे देश में सबको समानता का अधिकार है, हर आदमी हमारा एक ही नाव है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, इसी नावे को लेकर हम चल रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा है कि हमने जो भी वादे किए हमारे मोदी जी ने वो वादे पूरे हुए हैं। हमारे कुछ और लोग उनसे बातचीत करते हैं, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को अब नागरिकता मिलनी शुरू हो जाएगी, क्या कहें? जो सही लोग आए हुए हैं उनके लिए नागरिकता अवेलेबल करा रहे हैं मोदी जी, और जो वास्तव में गलत रूप से हैं तो उनका तो अपने स्तर से इलाज करेंगे ही करेंगे। वैसे यहाँ के जो नागरिक अपने पुराने रहते हुए आ रहे हैं, सब हिंदू मुस्लिम सब भाइयों की तरह रहते हैं और वो अब भी ऐसे ही रहेंगे, उन्हें किसी को कोई किसी तरह का खतरा नहीं है किसी भी सरकार। थोड़ा उन्हें समझने में आने में फ़र्क पड़ रहा है, कुछ गलत समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 5 साल तक लगातार आपने देखा भी होगा CAA का लगातार लोग बाग विरोध करते रहे। अमित शाह ने अपने बयान में पहले कहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले पहले लागू कर दिया जाएगा, लागू कर दिया गया है, क्या कहें? नहीं, जो उन्होंने वादा किया वो पब्लिक के साथ उन्होंने पूरा किया है, अपने वादे पे खरे उतर रहे हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन लोग उसका गलत समझ रहे हैं, समझने का लोगों में फ़र्क है, उसका सही जो है पकड़ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाह रहे हैं। किसी तरह का कोई अपने जो यहाँ का लोकल मुसलमान जो पहले लेता रहा, किसी तरह की कोई दिक्कत ना पहले थी ना है ना आगे आएगी। जितने भी दावे वादे मोदी ने पूरे किए, आखिरकार मुसलमान की नाराज़गी कहाँ तक सही? देखिए, मुसलमान की नाराज़गी तो कोई नहीं है जी, जो विपक्ष के लोग हैं वो तो 2-4 लोग हैं, वो तो होते ही हैं। अब एक तालाब में 4-5 मछलियाँ होती हैं तो एक आधी उनमें गंदी भी होती है। बाकी हमारे बेहट के अंदर, मैं नगर पंचायत से सभासद हूँ, 600 के करीब यहाँ पे मकान आए हुए हैं, उनमें से ये है कि हमारे जो हैं 80% जो है हमारे मुस्लिम को मिले हैं और 400 के लगभग सरकार की योजनाएँ चल रही हैं, उनमें से 90% जो है उनका जो है फ़ायदा हमारे मुस्लिम भाई उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी का दावा और वादा लगातार पूरा हुआ। बेहट की अगर बात करें, क्योंकि ये मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है, ज़्यादातर मुस्लिम वोट हैं, क्या मोदी जी से नाराज़ है मुसलमान? नहीं तो नाराज़ तो होना ना चाहिए, सारी योजनाओं का फ़ायदा ये उठा रहे, हिंदू को क्या मिल रहा है?
हिंदू वोट देने की मशीन है। हमें शांति चाहिए, अमन चाहिए, हमें विकास चाहिए। सब कुछ तो मिल रहा, राशन फ्री मिल रहा, मकान फ्री मिल रहे, ये निकाह के पैसे फ्री मिल रहे, अच्छा जी आयुष्मान कार्ड फ्री मिल रहा, और ये आंगनबाड़ी से वो डूडा योजना वाली वो योजना फ्री मिल रही, तो और क्या चाहिए बताइए। उज्ज्वला योजना मिल रही, अभी दो सिलेंडर फ्री कर दिए एक साल के अंदर, तो और मोमडन को क्या चाहिए जी। रही दूसरी बात, अभी उन्होंने कहा कि ये भेंट भारत वाले तो संभल ले रहे और बाहर वालों को थोप रहे हैं। हम जो अल्पसंख्यक बाहर से आया हुआ है हिंदू भारत के अलावा, वो कहाँ जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और एक शोधी, ये तो ऑलरेडी पहले से ही वहाँ हिंदू कितना है, मुश्किल से 1% 2%, वो भी निमटाए जा रहे हैं वहाँ से, तो वो बेचारे यहाँ नहीं आएंगे तो वो कहाँ जाएंगे और बताओ। तो उनको अगर यहाँ नहीं मिलेगी कोई सुविधा, तो बहरहाल ये कानून मुसलमान को बाहर निकालने के लिए नहीं बनाया जा रहा, ये तो उनको भी सुविधा दी जा रही है। अगर बाहर से कोई अल्पसंख्यक आदमी आ रहा, कोई भी आ रहा है, चाहे उसमें सरदार है, सिख है, ईसाई है, कोई भी किसी भी बिरादरी का है, तो उसको परमिशन दी जाएगी यहाँ रहने के लिए, उसमें किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा। अभी मैं आपको बताऊँ, यहाँ अब ये समझ लो 10 साल से भारत सरकार जो बीजेपी की सरकार बन रही है, उसके बाद ही जितना विकास भारत के अंदर हुआ, शायद मैं कहूँ 70 साल में इतना विकास नहीं हुआ होगा जितना 10 साल के अंदर विकास हुआ। हमारे भेंट का नक्शा बदल दिया। आप जहाँ भी जाओगे ना, लोग बाग पन्ने के नीचे पड़े थे, जब पन्ना जब बारिश का मौसम बादल हो जाता तो लोग बाग उसे ढूंढते फिर रहे थे कि मैं बाल्टी कहाँ रखूँ, मैं कहाँ पढ़ूँ, चार पाई को कहाँ डाल लूँ इसको। आज वो उस चीज़ को भूल रहे। मैं आपको बताऊँ, हमारे पड़ोस के अंदर कई मकान इस तरह के बने जिन लोगों के कभी ख्वाब में भी नहीं आया होगा कि मैं कभी सिलेंडर के नीचे बैठ सकता हूँ। उसको मकान बना, उज्ज्वला योजना का साधन मिला, राशन कार्ड उसको मिला, आयुष्मान कार्ड उसको मिला, सब कुछ तो सुविधाएं मिल रही है, और क्या चाहिए ये बताओ। और हम बतावें कि हम लोगों को जितने भी हिंदू पर है, मुश्किल से 2-3% यहाँ राशन कार्ड हम लोगों के नहीं है, 3% मकान मुश्किल से 20-25 होंगे हिंदुओं के यहाँ से, 1000 मकान लगभग यहाँ भारत बैठ के अंदर बन गया, तो वो बताओ किसको सुविधा मिली जी। ये सुविधा तो सबके साथ सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास। और ये जब तक मोदी जी रहेंगे ये उनकी गारंटी है, उसमें किसी भाई को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तो कह सको कि भाई हम पक्षपात कर रहे, यहाँ 1000 मकान आए और 900 हिंदुओं को दे दिए, 100 मकान मुसलमानों को दे दिए, यहाँ तो 900 मुसलमानों को दे दिए, 100 मकान हिंदुओं को नहीं मिले हैं, तो उसमें ये नहीं है। हम तो लोगों को चाहते हैं कि आप इन लोगों का हाथ मजबूत करें, इनको साथ लेके चलें। पहले कहीं सुनवाई नहीं थी, कोई अधिकारी नहीं सुनता था, आज अधिकारी भी सुनता है, समझे जी। सब काम हो रहे हैं, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार एकदम हम समाप्त नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हम सभी लोगों को आगे आना पड़ेगा। वजह क्या है कि हम अपने स्वार्थ के लिए अगर अधिकारी को पैसे देकर काम करा कर रहे तो वो भ्रष्टाचार नहीं कहा जाने का। आप उसके लिए अड़ो, उसकी शिकायत करो अधिकारी की, अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई ना हो तब हम सरकार की कमी निकालेंगे कि इस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम उसके लिए तन मन हर चीज़ से तैयार हैं, लेकिन अगर कोई आदमी चुपचाप जा करके 2 नंबर का काम करा रहा है और वो नोटरी गड्डी जाकर अधिकारी को देख रहा है और फिर कह रहे जी भ्रष्टाचार हो रहा सरकार के अंदर, भ्रष्टाचार तो कराने वाले खुद हैं, क्यों देख रहे? अगर हमारा 1 नंबर का काम है अधिकारी को, तो ऐसी कम तैसी हम देखते हैं कैसे कर रहे हैं। वो मना कर देगा हमें काम के लिए, नहीं कर सकता। अगर वो जायज काम है और जो हमारे नाजायज काम है, हम जमीन पर प्रॉपर्टी पर कब्जा करते फिर रहे, ली हमने 10 बीघा कब्जा कर लिया, 50 बीघे पर जाकर झंडा काट के गया था सरकार को, तो भ्रष्टाचार हो रहा भाई। क्यों करा तूने 50 बीघे पर कब्जा, तेरे पर 10 बीघे तो 10 ही लेना। एक बात बताइए भैया, 2024 का चुनाव है, तमाम मुद्दे जो है वो गर्म है, CA को लेकर के जो विपक्ष है वो घबराया हुआ है, जब से CA कानून लागू हुआ है तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, तो क्या मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होता हुआ नजर आएगा? 400 पार का जो नारा साकार हो जाएगा? बिल्कुल होगा जी, मोदी जी सबको साथ लेके और सबका विकास कर रहे हैं तो बिल्कुल होगा जी, और जो योजनाएं ले रहे हैं सब मोदी जी को वोट देंगे, और सरकार जो है इंशाल्लाह योगी जी की मोदी जी की बनेगी। मुसलमानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, गृहमंत्री का भी बयान आया, राजनाथ सिंह ने भी कहा कि अगर कोई किसी कागज तो बहुत दूर की बात है, कोई उंगली तक नहीं लगा के छुएगा, तो फिर जो विपक्ष के इतने ज़्यादा कटाश समस्याएं और लगातार बयानबाजी, वो क्यों? उनको लग रहा है कि जो मोदी जी कह रहे हैं 400 पार हो गए तो उनसे बड़ी परेशानी उन्हें हो रही है, फिर दोबारा से हमारी तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनने जा रही है, तो परेशानी तो उन्हें स्वाभाविक है। सभी वर्गों का कुछ और लोग उनसे बातचीत करते हैं, मोदी ने जो वादा किया वो निभाया, नागरिकता को लेके विपक्ष जो है वो क्यों घबराया? देखिए सबसे बड़ी बात जो है, अब से 1.5 साल पहले ये पास हो गया था कानून, ये राजनीति पंडा है, अब चुनाव नज़दीक है उसको लागू कर दिया। और मैं आपके चैनल से जनता से अपील करूँगा, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज से, जो भरम पैर रहा, कोई घबराने की बात नहीं है, ना कोई सड़कों पाए ना वो करे, जो हमारे हिंदुस्तान का भाईचारा
उसमें कायम रहे। और रही कागजों की बात, कोई बड़ी बात नहीं, जन्म प्रमाण पत्र बने लगे, कोई दिक्कत नहीं, इन चीज़ों से घबराने, हम अपने कागजों में मजबूत होंगे, कहीं ना कहीं कमियां हैं वो दूर हो जाएंगे। और इसने में इतनी जितना है उतना हवा बना रखा, हवा कुछ नहीं है घबराने वाली। मैं आपके चैनल से, अपनी जनता से, अपनी ख़ास तौर से मुस्लिम समाज से अपील करूँगा कि कोई भी जो है ऐसा कदम ना उठाए, ऐसा वो ना करे कि जिससे जो है नुकसान हो। 2024 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, किसे वोट करने जा रहे हैं? देखिए, हम तो गठबंधन को वोट करने जा रहे हैं, माननीय इमरान मसूद जी को। अगर इमरान मसूद जी को, भारतीय जनता पार्टी अगर नरेश सैनी जी को चुनाव लड़ाते हैं तो हम बीजेपी को वोट देंगे। अगर नरेश सैनी जी को भारतीय जनता पार्टी नहीं चुनाव लड़ाते, हम सीधा सीधा गठबंधन को वोट देंगे, इमरान मसूद को वोट देंगे। क्योंकि हमने देखा है, हमने भारतीय जनता पार्टी के अंदर विशेष एक शख्स नरेश सैनी जी ऐसे है जो सबका साथ सबके विकास पर काम करते हैं, बल्कि कोई पार्टी के अंदर और कोई ऐसा कार्य नहीं है। एक बात बताओ, मोदी जी के साथ हैं आप 400 पार? हम तो मानने नरेश सैनी जी को या फिर इमरान मसूद जी को हम तो नहीं जाने, हम बाकी ऊपर तो हमारा कोई काल लेवल ही नहीं है, काम होगा नीचे वालों को देखेंगे जाकर। देखिए, लोकसभा चुनाव में भी मात्र लगभग एक महीना ही बचा है और तमाम जो राजनीति है और तमाम राजनीति पार्टियां अपने वोटरों को लुभाने का काम कर रही हैं, लेकिन जो नरेंद्र मोदी ने वादा किया उसको लेकर के जो तमाम जनता की राय है वो बेहद नरेंद्र मोदी के पक्ष में जाती हुई नज़र आ रही है। और साफ तौर पर ये भी नज़र आ रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में जो नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया है वो अब साकार होता हुआ नजर आएगा। 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है, ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला CA को लेकर के लिया गया। 2019 के संकल्प पत्र में इस CA बिल का जिक्र भारतीय जनता पार्टी ने किया था और अब 2024 जब लोकसभा चुनाव सामने है, ठीक उसके पहले ये बिल, ये कानून देश भर में लागू हो गया है। जनता क्या सोचती है, क्या कहना चाहती है, क्या समझ रही है इस कानून के लागू होने के बाद, क्योंकि विपक्ष के अलग अलग बयान इस कानून को लेकर के सामने आ रहे हैं, लोगों की क्या राय है ये जानने के लिए हम जनता के बीच में हैं। क्या नाम है आपका? दीपू शुक्ला सर। दीपू जी, CAA कानून आ गया है, जान रहे हैं? मालूम तो है, कानून ठीक है, बेहतर है, इसको लेकर क्या करें? ठीक है भाई, जो सरकार करे सब ठीक है। इसको लेकर के जो विपक्ष की पार्टियां अखिलेश यादव हो गए, ममता बनर्जी, वो सब सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, ये तो गलत है, जो सरकार करे भाई उसी पर सहमत रहना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अब्दुल हकीम शाह है, मैं सिद्धार्थनगर जिले से हूँ। CA कानून को लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए साहब, CA कानून तो अच्छा है, लेकिन इसमें एक काम गलत हुआ, क्योंकि इलेक्शन आ गया तो CA लगाए, क्योंकि अपना वोट बैंक बढ़ाना, यही इलेक्शन के बाद करते तो कितना अच्छा था। इलेक्शन के बाद इसको लागू करना चाहिए था, या 2019 में लगा था तो 20 में लगा देते, कि जब इलेक्शन आ गया कि कल इलेक्शन होना है तो उसमें CA लाना गलत है। ये जैसे इन तमाम जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से सवाल भी उठाए जा रहे हैं इस बिल को लेकर। सवाल बिल्कुल सही है, उठेगा ही उठेगा, जब कल चुनाव, आज CA लागू करोगे, ये इलेक्शन के बाद लागू करते, अब मान लो 10 करोड़ लोगों को ये लोग अगर CA का दे देते, उससे पहले उनका इलेक्शन में वोट डालेंगे तो उसका किसका फ़ायदा होगा? इसको इलेक्शन के सियासी फैसला, ये सियासी फैसला है, बाकी CA से मैं नाराज़ नहीं हूँ, इसको इलेक्शन के बाद लागू करना चाहिए था सरकार को, ये नहीं कि कल इलेक्शन है तो इसको लागू कर दिया। क्या नाम है आपका? पुलकित। पुलकित जी, CA को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि ये कानून कितना सही, कितना बेहतर नहीं, या जनता के लिए, देश के लिए कैसे देख? देखिए, स्थितियाँ जो हैं वो हमारे पड़ोसी मुल्कों में बड़ी विकराल हो चुकी हैं, आए दिन खबरें आती हैं कि वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ बड़ी बदसलूकी होती है, ये कोई नई बात नहीं है, लगातार ये पिछले 60-70 सालों से इस तरीके से चीज़ें चलती चली आ रही हैं। अब जो हमारे हिंदू भाई हैं या हमारे जो और अल्पसंख्यक हैं, पारसी हैं, सिख हैं, वो कहाँ जाएं? उनके सामने एक बड़ी समस्या है, उनको कौन देश नागरिकता देगा? कोई देश उनको नागरिकता देने को नहीं तैयार है। तो अगर हमारे उन दबे कुचले भाइयों के लिए जो प्रताड़ित हैं हमारे पड़ोसी मुल्कों में, उनको अगर हम नागरिकता देने के लिए कोई कानून लाते हैं कि जो इच्छुक है वहाँ से और जो प्रताड़ित है वहाँ से वो आकर के नागरिकता ले सकता है, तो 1947 में भी तो यही हुआ था ना, उधर से लोग छोड़ के आए थे देश, उनको यहाँ की नागरिकता मिली थी, इसमें गलत क्या है? लोग कह रहे हैं कि फिर भारतीय कहाँ जाएंगे, विपक्ष कह रहा है कि अगर इन लोग को नागरिकता देंगे तो फिर भारतीय कहाँ जाएंगे, देश के लोगों को? सर, पूरा तो अखंड भारत था ना,
जब नेहरू जी ने देश तोड़ा था तब क्यों नहीं सोचा था भारतीय कहाँ जाएंगे? उन जो लोगों को आना पड़ा था अपना घर परिवार छोड़ करके, दुकान जायदाद छोड़ करके, वो भारतीयों ने यहाँ कैसे सर्वाइवल किया, उसके विषय में भी तो फिर दो मिनट बोलना चाहिए ना खड़े होकर के, कि वो बंटवारा क्यों हुआ था अखंड भारत का। तो भाई हमारे भाई हैं वो लोग जो वहाँ रह रहे हैं बेचारे, जो दबे कुचले प्रताड़ित थे, जिनके ऊपर उनकी 8-8 साल की बच्चियाँ उठा के लेके चले जाते हैं, बलात्कार होता है, 20-20 लोग बलात्कार करते हैं एक रात में, 20-20 लोग बलात्कार करते हैं उन बच्चियों के साथ। अरे दिल नहीं दुखता क्या आपका भाई? कैसे इंसान हो आप? वो कहाँ जाएं? दे दो ना उनको नागरिकता किसी दूसरे मुल्क में, सऊदी में नागरिकता दिलवा दो ना उनको, UAE में दिलवा दो ना नागरिकता, कहाँ जाएंगे वो भाई? एकमात्र देश है भारत देश, तो दे रहे हैं तो उसमें क्या गलत कर रहे हैं? 56 मुल्क है ना तुम्हारे, काहे के लिए दिक्कत हो रही भाई? इसमें दिक्कत वाली कौन सी बात है? कहीं से भी गलत बात नहीं। हम रोहिंग्या दे रहे हैं, पूरे भारत से रोहिंग्या दे रहा हूं, वो दे दे नागरिकता, पाकिस्तान में दे दे, बांग्लादेश में दे दे, अफगानिस्तान में दे दे, दे रहा हूं रोहिंग्या। यहां जो हर वार्ड में 5,000 रोहिंग्या बसा है, पूरे भारत के अंदर 9 करोड़ रोहिंग्या है, ले जाए रोहिंग्या, दे नागरिकता, उनको किसने रोका है? व्यवस्थित रूप से दे जा करके। ये तो कह रहा है कि सियासी बात कर रहा हूँ मैं, अपने मौसिया की बात नहीं कर रहा हूँ, विपक्ष की बात कर रहा हूँ, हम अपने ननिहाल की बात नहीं कर रहे हैं, विपक्ष दे जाके नागरिकता उनको भेज दें और वो भी ले जाके स्वतंत्र हैं वो। अरे ये जो व्यवस्थित रूप से जो कार्य हो रहा है, जब देश का विभाजन हुआ था तो यहाँ के प्रधानमंत्री ने कमिटमेंट किया था कि वहाँ के अल्पसंख्यकों की जिम्मेदारी पूरी भारत सरकार लेता है, लेकिन वहाँ पे आज 33% से हट करके वहाँ 2% 3% पे हिंदू रह गया है, कौन जिम्मेदार है? तब ये विपक्ष सोने चला जाता है, जब 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 ये आतंकवादियों के खिलाफ जो है वकील खड़े हो जाते हैं रात रात में, तो विपक्ष सोने चला जाता है। आज CAA की बात होती है, NRC की बात होती है, UCC की बात होती है, तो ये लोग जो है इनको मुद्दे आ जाते हैं, इनको भारत माता का विभाजन याद आता है, 1947 में जब देश का विभाजन हुआ था, ये विपक्ष कहाँ चला गया था, कौन सी दाल रोटी खा रहा था? क्या लगता